नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम जैसा सोचते हैं जीवन में बिल्कुल वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर आपको काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति की तरह ही सोचना है। यदि आप बार बार मन में असफलताओं के विचार को लाते हो तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आप ये मान के चलो निरंतर अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सब हमारे मस्तिष्क में वैसे ही विचार उत्पन्न करते हैं। किसी भी लक्ष्य में बराबर हमें लगे रहना चाहिए। एक ना एक दिन क्या पता वो छोटा सा लक्ष्य कोई बड़ा सक्सेस स्टोरी निकल कर आ जाए। अगर आप में संकल्प है तो सब कुछ है, और अगर आप में संकल्प नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। केवल निश्चय होना चाहिए तो फिर सर्वत्र आपकी विजय है। अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो सब कुछ पा सकते हैं। बिना समर्पित हुए कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अगर इसके लिए आप तैयार रहें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने मन में संकल्प बना लिया है कि मुझे बहुत बड़े पद में जाना है। वो विचार हमेशा शक्तिशाली बनकर आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आपको बार बार अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित मोटिवेट करेगा। ऐसे ही व्यक्ति जीरो से हीरो बनते हैं। दुनिया में इतिहास भरा पड़ा है कि लोग क्या थे और क्या हो गए। हमें अपना लक्ष्य बनाते समय इस बात को भूल जाना चाहिए कि हमारी उम्र उस लायक नहीं है। बहुधा लोग 40 या 45 साल के बाद अपने को जिंदगी से रिटायर्ड मानते हैं। उनके मन में यह विश्वास आ जाता है कि अब वो किसी काम के नहीं रहे। ये भारी भ्रम है। सत्य इसके विपरीत है। 90 साल के व्यक्ति ने वर्ल्ड मैराथन में गोल्ड मेडल जीता। 90 साल के व्यक्ति ने देश के सबसे बड़े पर्वत में चढ़ाई की। 90 साल के व्यक्ति ने कोई आविष्कार कर निकाला। दुनिया के हर कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे ऐसे ऐसे बुजुर्ग हुए जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर लोगों को चौंका दिया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर सीमा किसी की होती है तो आपके लक्ष्य की। लक्ष्य बनाइए, हर पल हर सेकंड लक्ष्य की ओर बढ़िए। बाकी सारे बेकार कामों से अपने विचार को हटाइए, एकाग्र हो जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जरूर आप सफल होंगे, इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। ऐसे ही होते हैं मित्रों जीरो से हीरो। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे।